मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। कराओके के साथ गाना कैसे गाएं? जो वो ट्रैक चलता है जिसमें म्यूज़िक आता है गाने का, सिर्फ शब्द नहीं होते, उसे कराओके कहते हैं। कैरियोके भी लोग उसको समझते हैं। तो उस ट्रैक के साथ गाना कैसे गाएं, हमें बड़ी समस्या आती है। तो उसका कोई एक सॉल्यूशन है या उसकी कोई टेक्निक्स हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे आप कैरियोके के साथ, कराओके के साथ या उस गाने के ट्रैक के साथ गाना गा सकते हैं, ओरिजिनल जो सॉन्ग होता है उसको। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। रे परे रे आना रे तना आना रे ना मधनी दासा। कराओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्मी गाने जो होते हैं, कई लोग होते हैं जिनको सिर्फ फिल्मी गाने गाना बड़ा पसंद है, उनको क्लासिकल से इतना नहीं लेना देना, उनको शास्त्रीय संगीत नहीं सीखना होता, वो नहीं गाना होता है, फिल्मी गाना गाने का उनको बड़ा शौक़ होता है। तो लेकिन उस शौक़ को पूरा करने के लिए अक्सर वो लोग क्या करते हैं, कैरियोके या एक कराओके इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं जिसमें माइक आता है, कुछ ट्रैक्स होते हैं गाने के। अब उसके साथ अगर उन्हें गाना गाना है तो एक समस्या आती है कि कई बार क्या होता है, ट्रैक आगे चला जाता है, हम पीछे रह जाते हैं, या हम आगे आगे तेज़ तेज़ गाने लगते हैं और ट्रैक पीछे रह जाता है। तो अक्सर लोग ये समस्या करते हैं, यार ये दिक्कत हो क्या रही है, समस्या क्या हो रही है। तो समस्या ये हो रही है कि आपको कराओके में गाना हो या फिल्मी गाने, नॉर्मल गाने हो, आपको शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है लय। गाने की लय को मैच करना सबसे ज़्यादा अहम बात है। स्वर तो ठीक है, अगर आप उतना ज़्यादा नहीं गाना चाहते हैं शास्त्रीय में, तो बेसुरा भी एक बार के लिए हम गा लेते हैं अपने शौक किया, भाई इतना ज़्यादा सुर में नहीं है। लेकिन लय अगर नहीं है तो कराओके के साथ गाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि लाइव जब गाते हो तब तो क्या है, हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वो जो ऑर्केस्ट्रा है वो आपके साथ एडजस्ट कर लेगा। लय समझ लेते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले लय यानी गति, गति यानी स्पीड, एक ही स्पीड में चलना। अब अगर मैं ये कोई गाना गा रहा हूँ जैसे नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बहुत बेसिक सा गाना है ना, मैंने ऐसे ही गुनगुना दिया, मेरे दिमाग में आया जो। अब इसमें अगर मैंने रुक रुक के गाना शुरू कर दिया तो साथ में जो मेरे साज जो बज रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो बज रहे हैं, वो या तो मेरे साथ एडजस्ट करेंगे, है ना, या फिर क्या होगा कि वो एडजस्ट नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ बजाते रहेंगे जैसा कि ट्रैक में बजता है। तो क्या होगा, हम आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम रुके हैं, घड़ी नहीं रुकती है, ट्रैक नहीं रुकता है, है ना। ट्रैक ये समझ लीजिए जो गाने का चल रहा है वो एक तरह से घड़ी है, वो एक जैसा समय जो है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो लय में मजबूती होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, एटलीस्ट मुझे तो यहीं तक सबसे बेसिक चीज़ तो यही है, है ना। क्योंकि अगर आप स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तब भी पहली चीज़ जो आपकी होनी चाहिए वो ये है कि मेट्रोनोम पे गाना अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ नहीं गा सकते। तो मेट्रोनोम पे गाना आपको आना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट यू नो डिमांड, फर्स्ट उसकी डिमांड होती है ये कि आपको हेडफोन्स दे दिए, उसमें मेट्रोनोम एक लय चल रही है, एक टिक 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 चल रहा है, उस पर आपको गाना है। यही चीज़ कैरियोके के साथ भी होती है, कराओके में भी क्या हो रहा है, वो जो सॉन्ग बज रहा है वो गाना आपको आता है, है ना, आपको मालूम है कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन गवेगी, लेकिन कितनी स्पीड में चल रही है, कहाँ कितना म्यूज़िक छूट रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एक लय में अगर आपने छोड़ा है तो ही आप गा पाएंगे, बजा पाएंगे, है ना। अगर आप उसकी लय भूल गए तो सब कुछ मतलब बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कुछ गवेगा ही नहीं आपसे। तो लय का अभ्यास कीजिए सबसे पहले, और बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं एकदम, अगर ज़्यादा क्लासिकल नहीं भी अगर हम आगे सीखें तब भी अगर हम लय का अभ्यास कर लें और लय
थोड़ी हमारी सद जाए, है ना, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स है वो सब हमारी लेसन्स अवेलेबल हैं, है ना। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर संपर्क करके वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं क्लासेस। तो स्पीड की जो टेक्निक्स हैं वो अगर आपने समझ ली, लय को अगर आपने समझ लिया, तो कराओके पे गाना आसान है। दूसरी चीज़ क्या आती है, कराओके ओरिजिनल स्केल का अगर है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है कभी कभार, क्यों क्या होता है मेल सॉन्ग है उसको अगर फीमेल सिंगर गाने का ट्राई करेगी तो रेंज की दिक्कत आएगी। फीमेल सिंगर का गाया हुआ गाना मेल सिंगर गाने का कोशिश करेगा तो भी स्केल की दिक्कत आएगी। वही सेम दिक्कत है स्वरों की, रेंज की तो दिक्कत है ही है कि जिस सिंगर ने गाया है वो किस रेंज से गाया है, उसके कितने ऊंचे लगते हैं कितने नीचे लगते हैं स्वर, और आपके कितने ऊपर नीचे लग रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो एक वो समस्या आती है, और मगर मोस्टली जो है यही समस्या आती है, क्योंकि क्या है वो स्वर की समस्या है। अब वो स्वर की समस्या अगर दूर करनी है तो जाहिर बात है शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, तो फिर तो लंबा प्रोसेस है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप ये नहीं कि स्किप कर देते हैं ये वाला पार्ट इसके आगे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लय तो सीखनी ही सीखनी है, लय को आप स्किप नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कराओके पे गाने के लिए स्पीड अगर आपके पास है, जैसे कि मैंने बताया भी था पहले कि बेसुरा भी जो है वो गा सकता है अगर वो लय में हो तो, क्योंकि क्या है इन जनरल ज़्यादातर पब्लिक को स्वर का उतना ज्ञान नहीं होता है लेकिन लय का ज्ञान होता है। क्यों कैसे होता है, क्योंकि लय मतलब अगर गाना आपने कहीं तोड़ तोड़ के गाया, बीच में अगर आप रुक गए सामने वाले को पता चल जाएगा क्योंकि उसने ओरिजिनल सुना हुआ है, और उसको इतना तो पता चल जाता है यार यहाँ इतना नहीं रुकना था, थोड़ा ज़्यादा रुकना था या यहाँ पे ज़्यादा रुक गया, है ना। क्योंकि क्या है लय का काम ऐसा है कि वो साफ दिख जाता है कि तबला अलग चलने लग जाएगा, आप गाना आपका अलग हो जाएगा, तो इसीलिए, है ना, इसीलिए कराओके पे अगर आप गाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस गाने की लय को समझिए और उससे छेड़छाड़ नहीं करनी, उसके साथ ही चलना है। फिर भले ही आप कैसा भी गाइए, थोड़ा मोड़ा सुर में थोड़ा बहुत बेसुरा चलेगा एक बार के लिए, है ना, पर लय से जो है आप में गाने का कॉन्फिडेंस आएगा कि म्यूज़िक के साथ साथ आप चल रहे हैं, तो फिर आप फिर भी गा सकते हैं। लेकिन अगर लय में नहीं हो तो भले ही आप कितने भी सुर में हो साथ साथ में नहीं चल पाओगे और वो बेकार होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लय का अभ्यास कीजिए, फिर कराओके पे क्या लाइव भी आप गा सकते हैं अच्छे से। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ नया लाता रहूंगा मैं आपके लिए। संगीत के यही तीन स्तंभ हैं, स्वर लय ताल, इनको मजबूत कीजिए, फिर देखिए संगीत आपका है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें।